दिया मिर्जा ने आज अपने फैंस के साथ एक गुड न्यूज शेयर की है। दरअसल दिया मिर्जा के घर बच्चे की किलकारियां गूंज उठी है। दिया ने अपनी शादी के 3 महीने बाद एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया है। दिया ने बताया है कि उनके बेटे का जन्म 14 मई को प्रीमैच्योरली समय से पहले ही हो गया था और उसके देखरेख आईसीयू में चल रही है। बच्चे के जन्म के 2 महीने बाद दिया ने यह गुड न्यूज फैंस के साथ बांटी है। वहीं दिया ने अपने बेटे की पहली झलक भी फैंस के साथ शेयर की है, जिसमें उनके हाथों की फोटो नजर आ रही है। वहीं दिया और वैभव ने अपने बेटे का नाम उफियान आजाद रेखी रखा है। दिया ने सोशल मीडिया पर बेटे का हाथ थामे एक तस्वीर पोस्ट की है और बताया है कि प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया था और जिंदगी लेने वाले हालात हो गए थे। ऐसे में इमरजेंसी सी सेक्शन द्वारा उनके बेटे का समय से पहले ही जन्म हो गया। इसके बाद उनकी आईसीयू में देखरेख चल रही है। दिया इन तस्वीरों के साथ एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखती है, एक बच्चा होने का मतलब है आपको हमेशा ये तय करना पड़ता है कि आपका दिल हमेशा आपके शरीर के बाहर घूम रहा होगा। ये शब्द इस समय वैभव और मेरे फीलिंग्स का पूरी तरीके से उदाहरण है। हमारे दिल की धड़कन, हमारा बेटा अव्यान आजाद रेखी का जन्म 14 मई को हुआ था। जल्दी जन्म होने के बाद से हमारे बेबी की आईसीयू में नर्सों और डॉक्टरों द्वारा देखभाल की जा रही है। मेरी प्रेगनेंसी के दौरान अचानक सर्जरी हुई और बाद में गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, जिसकी वजह से सेप्सिस का खतरा हो सकता था। शुक्र है समय पर देखभाल और डॉक्टर की वजह से इमरजेंसी सी सेक्शन के जरिए हमारे बच्चे का सुरक्षित जन्म हुआ। इसी के साथ दिया ने अपने बच्चे की देखभाल के लिए डॉक्टर्स और नर्स का शुक्रिया अदा भी किया है। दिया ने बताया है कि वो जल्द ही घर आ जाएगा और उसकी बड़ी बहन समायरा और दादा दादी उसे बाहों में लेने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं दिया आगे लिखती है, अपने फैन से मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, आपकी चिंता हमेशा मेरे लिए बहुत मायने रखती है और अगर ये खबर पहले शेयर करना संभव होता तो हम करते। आप सभी के प्यार, विश्वास और प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। वहीं दिया की ये गुड न्यूज शेयर करते ही फैंस और फ्रेंड्स उनके पोस्ट पर कमेंट करके उन्हें ढेर सारी बधाई दे रहे हैं। आपको बता दें, इसी साल फरवरी को दिया मिर्जा ने वैभव रेखी के साथ दूसरी शादी की थी। इससे पहले दिया मिर्जा की शादी साहिल सांगा के साथ 2014 में हुई थी। वहीं 2019 में उनका तलाक हो गया। वहीं उसके बाद दिया मिर्जा ने 2021 में वैभव रेखी से शादी की। वैभव भी पहले से शादीशुदा है और उनकी एक बेटी भी है। शादी के 2 महीने बाद ही दिया ने अपने प्रेगनेंसी की खुशखबरी शेयर की थी। हम दिया मिर्जा और वैभव रेखी को बेटे के जन्म की ढेर सारी बधाई देते हैं और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें गजब खबरें।